हाय फ्रेंड्स, मोबाइल में यूट्यूब के लिए थंबनेल पिक्सआर्ट के जरिए कैसे बनाएं। मैंने पिक्सआर्ट खोल लिया है। पिक्सआर्ट खोलने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके मैंने यहां पर से कलर बैकग्राउंड चूज़ करना है। आप भी कलर बैकग्राउंड चूज़ करेंगे और मैं जिस तरह कर रहा हूं वैसा ज़रूरी नहीं है कि आप वैसा करें। बस आपको एक इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर करना है, फिट पर आपने दबाना है, फिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर से आपने रेशो चूज़ करना है। 16:9 इसको चूज़ करके सेलेक्ट यस पर क्लिक करें। बस आपके थंबनेल का साइज़ आपने ले लिया। अब आप चाहे जो मर्ज़ी वो कर सकते हो अपने इस पिक्स आर्ट के ज़रिए। आप अपने अपना वो बना सकते हो, अपना थंबनेल बना सकते हो यूट्यूब का। तो मैं गूगल से एक इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ पिक्स आर्ट का, क्योंकि मेरे थंबनेल में मुझे पिक्स आर्ट की ज़रूरत होगी। सो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर रहा हूँ और मैंने इसे ओपन कर लिया है। और मैं यहाँ पर इमेज वो टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करता हूँ। टेक्स्ट आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। मैं लिख रहा हूँ हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल। लिखने के बाद आप इसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद आपने फॉन्ट चूज़ करना है। आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे वो आप चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर से फॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ और मैंने फॉन्ट देखा, कोई भी जो फॉन्ट आपको पसंद आए आप वो फॉन्ट चूज़ करके आप टेक्स्ट लिख सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी कर सकते हो करें। तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा कम कर देता हूँ, हर टेक्स्ट में अलग अलग रंग आने के लिए, खूबसूरती से दिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसमें स्ट्रोक कर दिया, इसमें आउटलाइन कर दिया और बैकग्राउंड कलर भी मैंने चूज़ कर लिया। तो आप इस तरह करके आसानी से वो, मैं इनको एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको भी एडजस्ट करना है। एकदम सिंपल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी उतना इसको डिज़ाइन कर सकते हो, जितना मर्ज़ी आप उतना इसको डिज़ाइन कर सकते हो अपने तरीके से। मैं अपने तरीके से इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा थंबनेल एक प्रोफेशनल दिखे, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर बहुत सारे कलर को चूज़ कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कौन सा कलर यहाँ पर सही होगा, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। आप यहां पर बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं आप पिक्सआर्ट के ज़रिए। बस आसानी से बस पिक्सआर्ट डाउनलोड करना है आपने और इसमें टेक्स्ट चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपने बस अपने थंबनेल के रेशो को सिलेक्ट करना है और यहां पर पिक्चर वगैरह देकर आपने बस ऑल राइट यू आर सेट, आप बस डन हो चुके हो। आपने बस बस दो चार काम करना है, बस आपका थंबनेल बन गया। बस टेक्स्ट को थंबनेल में एक चीज़ ये होता है कि टेक्स्ट को हमें सही से दिखाना पड़ता है कि आखिर हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, वो हमें सही से वो करना होता है, हमें लोगों को शो करवाना होता है। तो मैंने इसको यहाँ पर अभी मैं एक पिक्चर लगा रहा हूँ पिक्सआर्ट का। मैंने इधर पिक्चर लगाया है क्योंकि मैं पिक्सआर्ट के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल इन पिक्सआर्ट, मतलब पिक्सआर्ट के अंदर प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाएं। इस वजह से मैंने यहाँ पर वीडियो के रिलेटेड आप थंबनेल बना सकते हो अपना इन पिक्सआर्ट लिखकर। मैं इसके फॉन्ट को चूज़ करूँगा, इसको एडजस्ट कर दिया मैंने। एडजस्ट करने के बाद मैं इसके फॉन्ट को चेंज करता हूँ। अब आप इसको अपने हिसाब से कलर दीजिए। बेसिकली मैं ये मोड ऐप यूज़ कर रहा हूँ, आप भी पिक्स आर्ट का मोड ऐप यूज़ कर सकते हो। ये मतलब क्रैक ऐप है। इस ऐप के ज़रिए मतलब मुझे इस ऐप को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और मोड ऐप आप गूगल में से डाउनलोड कर सकते हो, बस सर्च करें पिक्स आर्ट का वो क्रैक वर्ज़न आपने डाउनलोड करना है। बस मैंने इसे डाउनलोड किया है, बिल्कुल फ्री में है ये, तो आप भी फ्री में यूज़ कर सकते हो। जब हम इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं तो पैसे देने की क्या ज़रूरत है। अब मैंने मैंने ये फ्रेम लिया है, मोबाइल का फ्रेम लेकर मैंने स्क्रीनशॉट किया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने इसी स्क्रीनशॉट को
इस मोबाइल के फ्रेम में एडजस्ट कर दिया है। इस मोबाइल के फ्रेम में आपने इसको एडजस्ट करना है। मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। बस इतना ही काम था मेरा, मैं बस थंबनेल को ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करूँगा। और एक यहाँ पर इसको सही से आपने देखकर, कोई मिस ना हो जाए कोई भी जगह, यानी कि फ्रेम में सही से आप लगाएं अपने हिसाब से। अब मैं यहाँ पर एक स्टिकर लगाता हूँ, स्टिकर लगाता हूँ मैं यहाँ पर एरो का, एरो मैंने चूज़ किया है और यहाँ पर इस एरो को यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर लगा दिया। आप ऐसा करके अपना थंबनेल बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने इसको सेव भी कर लिया। 1280 रिजोल्यूशन देखना।